यौ ई खबर सुनू, दिमाग भन्ना गेल। एहन एहन जज होइ छै अपना देश में और एहन कानून। मेरठ सेशन जज राजेश्वर शुक्ल ने एक 70 वर्षीय माँ को उम्र कैद सुनाई। घटना थी कि रात में घुसकर एक व्यक्ति ने 20 वर्षीय बेटी से रेप की कोशिश की। बूढ़ी माँ ने कुल्हाड़ी मारकर रेपिस्ट का अंत कर दिया। घटना 31 जुलाई 2010 की। 59 वर्षीय कस्तूरी देवी विधवा के घर में एक युवक आधी रात में घुसा और 20 वर्षीय बेटी से बलात्कार की कोशिश की। सुनी छिया है? विधवा चीखे सुनकर उठ गई और कुल्हाड़ी से रेपिस्ट पर 5 वार किए। रेपिस्ट मर गया। विधवा सीधे पुलिस थाने गई और सरेंडर किया। अदालत ने निर्णय लिखा कि विधवा को सिर्फ एक वार करना चाहिए था जिससे रेपिस्ट भाग जाता। 5 वार कुल्हाड़ी चलाना बहुत ही बड़ा अपराध है, चाहे रेप भी हो जाए। आज बेटी विवाहित है, 4 बच्चे की माँ है। माँ कस्तूरी देवी 70 वर्ष की है। बताओ एहन फैसला हो छे? पीड़िता के मैं लोग सब से कहते कि हमर बेटी के साथ दुष्कर्म भ रहल है, आवा हो लोग सब बचावा। तो नीक वेले कस्तूरी देवी केलखिन कि तामस उठलन और टेंगारी उठेलखिन मार देलखिन। ताबे तक मार देत रहलखिन जाबे तक मर नहीं गेली। और ओकरा जे कि हम रहती ना तो हम तो बुट्टी बुट्टी काट देती। वो अपराधी रहते तो थाना में जाकर कहता है कि हम अपराध केने छी, हम मर्डर कर देलिए। अरे कस्तूरी देवी जनका लोग का तो सामाजिक सम्मान भेटे के चाहिए। बोझी केने छी यौ? देखने रहल छी, योगा कर रहल छी। अरे सोशल मीडिया पर खबर पढ़ के एना उत्तेजित नहीं हो, सब अपना अपना हिसाब से अगरा लिखे छे। ई सच छे, नाम तारीख और जज के फैसला से हो छे, आई में की गलत छियो? पहले नॉर्मल भ जाओ। हमरो सेम न्यूज भेटल अंग्रेजी में, टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज क्यों पेस्ट के नहीं आए छे। मतलब कि अहां के खबर के अनुसार कस्तूरी देवी के जज साहब भाई जी बरी कर देने छथिन? नहीं, उम्र कैद के सजा देने छथिन। तो की अलग खबर छे ओई में? और केहन छे अहां? अहां के तावस नहीं उठल? जिना अहां हमरा खबर पढ़ के सुनेलो तेना हमू सुनाओ कस्तूरी देवी वाला। सुनाओ। मॉम हु किल्ड हर गर्ल्स सेक्सुअल असेलेंट गेट्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट आफ्टर 11 इयर्स। एकदम ठीक हेडलाइन छे। दुष्कर्म करे वाला का जे मारलक ओ सम्मानक अधिकारी छे, ना कि जेल हुए ओकरा। जज साहब के राक्षस बना दिली, मुदा देखियो। इट कंक्लूडेड दैट द एक्ट वाज ऑनर किलिंग एंड प्लांड मर्डर। व्हाट? ऑनर किलिंग, प्लांड मर्डर? यो जेकरा बेटी के साथ दुष्कर्म हुई छे और जे ओकरा मारी छे वो प्लान मर्डर नहीं हुई छी। सब भाई न्यूज कटिंग में लिखल छे। लड़का अनजान नहीं चले, ओकर घर में ओकर अनजान रहे। सब क्यों रात में अपन केवाड़ दरवाजा बंद कर के सुते थे। आ वो लड़का केना गेले ओकरा घर में कि दरवाजा तोड़ के गेले? आ कि लड़की दलान पर सुतल रहे? लड़की दलान पर तो नहीं सुतल रहे, जे अधरतिया में छोड़ा अलै दुष्कर्म करे लगल आ लड़की हल्ला करे लगल, यह ने खबर छे? हाँ चिचिले तो मैं तो नींद टूट ले। मतलब जे भेले से लड़की के घर में भेले। लड़का लड़की के जबरदस्ती दुष्कर्म करवाक प्रयास नहीं केलके। अब लड़का अलै कस्तूरी देवी के कुल्हर समदायन के राखल रहन, वो लड़का पर वो दनादन बार करो लगलखिन आ लड़का मर गेले। बीस बरखक जानल पहचानक लड़का के हत्या भेले। जानल हो या पहचानल, आधा रात में क्यों ककरो घर में क्या घुसते? आधा रात में 20 बरखक लड़की जानल पहचानल लड़का लेल दरवाजा किया खोलते? ई के कहलक कि कस्तूरी देवी का बेटी अंदर से दरवाजा खोल देलकै? तो कि कस्तूरी देवी के घरक दरवाजा खोल के सुता के आदत छलैन। अहां बकवास करै छी। कोनो माई के 20 बरखक बेटा के कुल्हर से गर्दन काट के मार देलकै?
बलात्कारी कह के मार दिल जखन की फैसला में साफ लिखल छे जो वो ऑनर किलिंग छल। कस्तूरी देवी के अपन समाज में प्रतिष्ठा घटक के आशंका छले किया कि हुनकर बेटी एहन लड़का से प्रेम करे छलन जे हुनका पसंद नहीं छलन। प्रेम रही थे ता आधा रात में फल मिलता है। प्रेम संगे वासना जुड़ल रहे छे। उम्र 20 साल बाहरक पाइन जका जत्ता रास्ता भेटले तत घुस गेले। और हम जे न्यूज पढ़ना हूं तकर कोनो अर्थ ना है। सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति एहन भ गेल अछि जे सत्ता के बदनाम करबाक लेल विरोधी सब 36 रंगक प्रपंच करै छथि। अहां एहन भावुक लोग ओकर शिकार होइ छथि। अहां बताओ अपना मन से जे किस से किछ लिख के लोग सब जज साहब के दुश्मन बना दिल के। लोग सब तो सुप्रीम कोर्ट तक के गरिया दे छे। इस सोशल मीडिया के खबर के दिमाग लगा के पढ़ो और सोच के प्रतिक्रिया दियो। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये ऑनर किलिंग या प्लान मर्डर चले है तो कस्तूरी देवी थाना में जाकर सरेंडर क्या कर गई? हद बात कुछ लो, कस्तूरी देवी कोनो सातिर अपराधी नहीं चली। हत्या के नाई हुनकर कोनो पैसा नहीं चले। तामस उठलन, योजना बनेलत आर काट दिलखिन, फिर पुलिस लग जाकर सरेंडर कर दिलखिन। साफ लिखल छे, आई लिखल छे 20 साल के युवक प्रवीण की हत्या योजनाबद्ध साजिश लगती है। लड़के की हत्या के बाद उसकी लाश को घर से बाहर लाया गया और फिर उन्होंने चीख पुकार मचाई। आए उठने कतो से मौका वारदात पर दूटा गवाह चले, पहल कस्तूरी देवी के बेटा, दूसर अपने कस्तूरी देवी और तेसर बेटी जकरा साथ दुष्कर्म भ रहल छले। बेटी वह बजले जे कहल गेले आ बेटा माय के प्लानिंग में छले। जज साहब के यो शंका छले जे कहीं बेटा ने हत्या के न हो, लेकिन माय सामने आबि के कहलखिन जे हम बलात्कारी के गर्दन कटलों। 11 साल केस ओहिना नहीं चल लेक तखन फैसला अयले। आप तो हमरा केसरे बात का टेंशन भ गेल। 20 साल के युवक प्रवीण के कस्तूरी देवी का बेटी से प्रेम चले है तो कस्तूरी देवी का अपना बेटी का बुझाबक चाहिए। अगर तखनो नहीं मानते तखन पुलिस में कंप्लेन करबाक चाहिए। किंतु ओकरा मार दिल की प्रेमक इतनी बड़का सजा। प्रेम संगे वासना जुड़ला से प्रेमक अपराधीकरण भ जाय छे। इहे भेले ई घटना। धूर्त आदमी सब कितना घुमा के पोस्ट लिखने आए छे। आहा बुझियो, जज साहब के फैसला में कनिको कमी रहते तो चैनल पर प्राइम टाइम में खबर रहते। लोग सब के यदि अधला लगले खबर झूठ लगले तो किया के गेले सुप्रीम कोर्ट आ हाई कोर्ट में। अरे भूमि, एना खबर सब के घुमा फिरा के बरगलाबे के योजना चल रहल छे। सावधान रहू, एहन न्यूज के चक्कर में घन चक्कर भ जाएब। आर अही न्यूज पर कोनो अपन प्रतिक्रिया दे दिलिए तो ओहन ओहन न्यूज सब अबैत रहत, अपन दिमाग खराब करैत रह। सच में सोशल मीडिया के पोस्ट सब के देख कर बुझ कर तखन प्रतिक्रिया देबाक चाहिए। थैंक यू पति जी। अरे हम टांग चियारो आसन चला अहा लागू, हम जाकर मशीन में कपड़ा धो दे छी। और सुनू, अहा ना ओकरा पखाइ ले। जय हो जज साहिब की। जाओ केहन लागल, अथवा ने पूछब केहन लागल किछु अपनो बात कहब। ई जे विषय उठेलियै तकर पाछू एकमात्र मकसद छलैए कि समाजमे जे नैरेटिव चलि गेलैए जे बेटा अछि जे पुरुष अछि तऽ स्वाभाविक रूपसँ अपराधी अछि। संतुलन हेबाक चाही ने। माय जे बेटाके जन्म दै छथिन तऽ कि कम दर्द होइ छै आ कि बेटा के पाले पोसे में कम परेशानी छे, ओकरा शिक्षा दे में, ओकरा संतुलित रखे में, ओकरा प्रेरणा दे में, ओकरा समाज के प्रति एगो जिम्मेदार नागरिक बनबे में कोनो कम मेहनत छे। ई ठीक छे कि बेटा हमर बेटी हमर आ नैरेटिव ई जे बेटा जे भेल जे पुरुष जे भेल तो स्वाभाविक रूप से अपराधी भेल।
कनी जरूरी छै कि बेटी के सुरक्षा दियौ, ओकरा पंख दियौ, ओकरा ओरा दियौ आ ओकरा अनुशासन सेहो दियौ। आर जखन कहियो एहि तरहक बात होय जे अहाँ देखलहुँ हैं नाटक में, तऽ गंभीरतासँ सोचियौ कि ओकर पाछू कारण की भऽ सकै छै। एगो नैरेटिव बताओ कि अब जे कहानी तऽ पूरा देखलियै, अहाँ अपन तर्क दिअ और अपन बात राखू और क्रिया प्रतिक्रिया तऽ हेबाक चाही। हम ई विषय दुआरे उठेलियै कि आमतौर तऽ जब सोचियौ जहिया ओ घटना भेल हेतै, एगो माय के 20 वर्षक बेटा जे प्रेम में छलैया, वासना में प्रेम के तऽ स्वतः स्फूर्त एगो अथी छै, डायमेंशन छै वासना, ओकर हत्या भऽ गेलै। हत्या भेलै तऽ ओकरा कहल गेलै कि बलात्कारी छलै, ओहने केस भेलै और जहन केस के निर्णय भऽ गेलै कि नहि ई जे छलै ऑनर किलिंग छलै, ई सोचल विचारल हत्या छलै, ओ जे छोरा छलैया छोरी साथे प्रेम में छलैया, मतलब ई सच घटना छै। लेकिन ओहि समय में तो सब थुथू के नहि हेतै ने, एगो माय के बेटा मर गेलै तैयो ओकरा संवेदना नहि भेटल हेतै। मतलब एगो सार्थक बात एगो आंसू बहबै वाला दू आदमी नहि गेल हेतै, हैं तोहर बेटा तो बलात्कारी छलो, ओकरा तो मरिए के छलैया। तऽ कनी संतुलन बनेबाक चाही समाज में, ये जरूरी छै कि हमर बेटा हमर बेटी सुरक्षित रहे और संस्कार युक्त रहे, ताहि लए सबके मेहनत करबाक चाही। लेकिन जखन कतौ ई ढंग के घटना होइ छै तऽ न्यूट्रलो भऽ कऽ सोचबाक चाही। चलू, हम कोशिश कऽ रहल छी कि नीक नीक विषय लऽ कऽ आबी और अहाँ सबके स्वस्थ मनोरंजन अपन भाषा में, मैथिली भाषा अछि, तैं की कहै छी आग्रह करै छी जे एकरा लाइक करू, शेयर करू, सब्सक्राइब करू, ज्यादा से ज्यादा लोक तक पहुँचा दियौ। कोशिश करब जे अनवरत दैत रही हर सप्ताह एगो लघु मैथिली फिल्म, जे अहाँके बुझाय जे अहाँके खिस्सा अछि, अहाँके परिवारक अछि, समाजक अछि, हमर सभक अछि, आ जुड़ल रही एगो स्वस्थ मनोरंजन जे भेटा माध्यमसँ। और ओकर कीमत हम खाली एतबे मंगै छी जे अहाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कऽ कऽ अपन प्रतिक्रियाके दूटा शब्द लिख दियौ, बस इएह अहाँ सबसँ मंगै छी। तऽ जय मिथिला, जय जय मिथिला, सब गोटे के नमस्कार।